उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार वालों से पूछताछ जोरों पर है। अब दुबे के भाई पर भी पुलिस सख्त होती नजर आ रही है। जी हां, पुलिस विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश की संपत्ति कुर करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे भले ही पुलिस की कार्रवाई में ढेर हो गया हो, लेकिन उसके परिवार पर अब भी पुलिस की नजर बनी हुई है। इसी कड़ी में अब विकास के भाई पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने दीप प्रकाश दुबे की संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति लेने के लिए अदालत में एक आवेदन दिया है। दीप प्रकाश दुबे तब से फरार चल रहा है जब से उसके भाई विकास और अन्य द्वारा कथित रूप से बिकरू गांव में एक मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों को गोली मारी गई थी। हाल ही में लखनऊ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के भाई के ठिकानों की जानकारी देने के लिए 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दीप ने अभी तक खुद को पुलिस के सामने पेश नहीं किया है, ऐसे में हमने उसकी संपत्ति को कुर्क करने की अनुमति लेने के लिए अदालत में एक आवेदन दिया है। एक बार जब हमें ये अनुमति मिल जाएगी हम आवश्यक कदम उठाएंगे। गैंगस्टर विकास दुबे की मां सरला दुबे ने भी अपने छोटे बेटे दीप प्रकाश दुबे से 22 जुलाई को मीडिया के माध्यम से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया था। मां ने कहा था कि दीप प्रकाश तुम सामने आओ और सरेंडर कर दो, नहीं तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार देगी। गौरतलब है कि गैंगस्टर विकास दुबे ने 2 से 3 जुलाई की रात में उसे गिरफ्तार करने कानपुर के बिकरू गांव पहुंची पुलिस टीम पर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। इस दौरान 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद विकास दुबे को 9 जुलाई को उज्जैन में मध्य प्रदेश पुलिस ने महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया था और उसे कानपुर लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस के मुताबिक रास्ते में गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया और अब उसके भाई पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।